ये सब चीजें अपने जोधपुर में तो राजस्थान में कहीं मिलने वाली नहीं है। आप बस हमको फॉलो करते ना, बहुत सारे आपको बॉम्बे के वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा है वो उसको निकाल देंगे पूरा मोहम्मद भाई, और फिर बाद में उसको वापस शेप देंगे। ये तैयार है, तो चलिए अब सीधा हम चलते हैं, देखते हैं कैसे ये लोग फ्राई करते हैं। ये देखो क्या बात है, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हजरात, मैं शादाब अली सैयद, आप देखें शादाब टॉक्स। आपको पता है कि फिलहाल हम लोग बॉम्बे में हैं और आज हम लोग आपको बॉम्बे का जो सुबह का नाश्ता होता है हलवा पूड़ी, हलवा पराठा भी बोल सकते हैं उसको आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा पराठा वो लोग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी हम लोग फिलहाल मदनपुरा में सूजी के हलवे के साथ में बहुत बड़ा पराठा ये बनाते हैं। हम लोग मदनपुरे के एकदम चौराहे पर खड़े हैं और देखिए, आइए आपको दिखाते हैं। सूजी का हलवा है और ये इनका पराठा है, बहुत ही जबरदस्त, ये बहुत लंबा चौड़ा पराठा बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे पराठा इन्हें बना रहे हैं। पंद्रह का दुआ करेंगे। देखिए एक पराठा तो इनका रेडी हो चुका है, अभी हमारे लिए फिर से वैसा पराठे लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर साहब, जैसे सूजी के हलवे के साथ साथ कितने टाइप के पराठे हैं यहाँ पे वो बनाते हैं? कम से कम कितने पराठे बनाते हैं आप? पराठे 48-50 पराठे बनते हैं। एक तो ये, एक तो ये फ्राई वाला पराठा होता है, और कितने टाइप के पराठे? एक होता है फ्राई, एक होता है डीप फ्राई। डीप फ्राई होता है, हाँ, उसी में सावर। तो अभी आप हमारे सारे दो टाइप के पराठे बनाएंगे ना? जी हाँ। इनको 30-35 साल हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं पहले एक बार ये फ्री हो जाए, फिर हम लोग हमारा पराठा कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। देखिए अब हमारे जो पराठा उसकी तैयारी होगी, पूरा ये कोयले पे बनाते हैं। कोयले पे क्या है? कोयला और लकड़ी। लकड़ी और कोयला, हाँ। उस पे टेस्ट ही बहुत जबरदस्त आता है, नहीं नासिर भाई? ये देखिए टेस्ट का फर्क आ जाता है। ये हम लोग बॉम्बे का अब फेमस हलवा पराठा ट्राई करेंगे, हलवा पूड़ी भी बोल सकते हैं आप उसको। इसमें ये डालेंगे पूरा घी, घी को पहले हम लोग गर्म करेंगे, हाँ। और देखिए क्या बात है यार, बैठाए ना तवा। देखिए यहाँ पे इनके पराठे की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, क्या बना रहा। ये एक जो ये पेड़ा कितने किलो, मतलब कितने ग्राम का होगा? ये 1.5 किलो का। 1.5 किलो का एक है? अच्छा, इसको दिखाने को ऊपर इसको उठाना ना। देखिए 1.5 किलो का एक ये इनका है, ये डॉग का एक ये लोया। और ये देखिए इसको पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं। नासिर भाई ये इसको पूरा ये जो भी बनता है ये हाथ से बनता है ना? जी हाँ। इसको जी हाँ। इसको मतलब बेलन से नहीं बेलते हैं, पूरा हाथ से। अब ये जाएगा इसमें, ये देखो बनाएंगे नासिर भाई इसको ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा बहुत बड़ा बन जाएगा, नहीं नासिर मोहम्मद भाई? ये देखो क्या बात है, क्या बात है। देखिए वापस को इन्होंने फ्लिप कर दिया है थोड़ा बहुत, देखिए यहाँ से ये हो चुका है थोड़ा सा। इसमें कितना टाइम लगता है एक पराठे बनने में? 5-7 मिनट इनकी लगेंगे बस। ये देखो देखिए बस इसको फ्राई कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको ये पैन में फ्राई कर रहे हैं, फिर इसको डीप फ्राई का एक पराठा डीप फ्राई का भी हम लोग निकालेंगे। दो टाइप के आपको यहाँ पे पराठे मिल जाएंगे और एक इनके साथ में, जब दो पराठे के साथ में सूजी का हलवा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सूजी के हलवे के अलावा भी और कोई हलवा मिलता है या सिर्फ सूजी का मिलता है? सिर्फ सूजी मुझे गई ना। साइज देखो यार पराठे की,
ये चीज़ हमारे जोधपुर में तो नहीं मिलती है, यहाँ बॉम्बे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सुबह इसका नाश्ता बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये हो सकता है 10 बार गर्म करेंगे, हाँ 10 बार आप फ्रेश हो जाएगा, मतलब 10 बार अगर इसको गर्म करेंगे 10 बार ये फ्रेश अपन एकदम अच्छा जाएगा। हाँ। लेकिन जो दूसरा वाला जो है जी गर्म नहीं हो सकता, वापस एक बार आपने बना दिया तो बस बना दिया, फिर आपको गर्म करने जाएंगे तो काला वगैरह पड़ जाएगा। ज्यादा तो ये चलता हुआ ना, ये चलता है पराठा, क्योंकि लोग ना ले जाते हैं 1-2 किलो। हाँ हाँ, जैसे सुबह खाए फिर शाम को खाने का दिल किया बच्चे हैं, तो थोड़ा सुबह खा लेते हैं थोड़ा शाम खा लेते हैं, थोड़ा शाम के लिए, तो जब भी वो गर्म करते हीट करेंगे हाँ हाँ, तो रिफ्रेश वापस वैसे की वैसा हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाता है, गर्म नहीं हो पाएगा वो, जब भी खाना पड़ता। देखिए यार पूरा ये देखो गोल्डन ब्राउन होने लग गया है, देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए यार क्या ज़बरदस्त मोहम्मद भाई ने बना दिया इसको, देखिए कलर देखो इसका, सब जगह से ये पूरा फ्राई हो चुका होने वाला है, बस थोड़ा सा और रह गया और फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। अब भी जोड़ना अब ये हाँ, ये देखिए जो परांठा है वो इसमें आ चुका है, जो अभी इन्होंने हमारे सामने पूरा बनाया, अब इसको कट कर करके ये लोग देंगे यहाँ पे। चलिए अब हम लोग इनका जो डीप फ्राई परांठा है वो भी ट्राई करेंगे, इसको थोड़ा और लकड़ी डालेंगे, वो जो हमारा जो पैन वाला जो परांठा है वो तो तैयार हो चुका है, अब जो नासिर भाई है वो हमको बताएंगे कि डीप फ्राई कैसे परांठा बनाते हैं। अब ये देखिए इसमें ये डीप फ्राई होगा, ये पूरा इनका जो वनस्पति जो घी है वो ये इसमें डालेंगे, ना सिर्फ वो जो ब्रांड है वो मतलब आप कितने में देते हैं, जैसे वो 100 रुपए किलो होता है, 100 रुपए किलो होता है, 100 रुपए किलो हलवा पराठा मिला के और अगर ये ब्रांड ले तो मतलब वो सेम प्राइस है, कोई मतलब वो नहीं, कोई चेंजेस नहीं है नहीं। मतलब किसी को ये पसंद आता है किसी को वो पसंद आता है, कभी ऑर्डर वगैरह रहते हैं हाँ हाँ, हमको डीप फ्राई चाहिए डीप फ्राई चाहिए तो फिर आप बनाते हैं, पर ये अच्छा किया आज आपने हमारे लिए ये कड़ाई भी लगाई, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। मेलों में ऐसा कुछ रहता है तो ये डीप फ्राई ज़्यादा चलता है, डीप फ्राई ज़्यादा चलता है ना, हाँ क्योंकि तुरंत लेके अभी तुरंत खाते हैं, हाँ तो आज इसको खाएंगे तो सही रहेगा ना। देखिए इतना सारा घी चला गया अभी तक, देखिए माशाल्लाह क्या बात है, अब इसी में ये लोग जो पराठा है वो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, जो पैन फ्राई था वो तो हमने आपको दिखा दिया, अब बारी है डीप फ्राई की। ये सब जो बॉम्बे का जो स्ट्रीट फूड है वो एकदम यूनिक है, ये आपको यहीं मिलने वाला है और कहीं आपको मिलना नहीं, आपको और कहीं अपने जैसे राजस्थान में तो कहीं ये मिलता नहीं है, परांठे की साइज आप देखो और सारी चीजें जबरदस्त माशाल्लाह। ठीक है मोहम्मद भाई, अब इस इनका जो लोया है वो कैसे बनाते हैं देखो, ये देखिए लोया कैसे बनाते हैं भाई साहब, मोहम्मद भाई आप बहुत एक्सपीरियंस लगते हो माशाल्लाह, ये देखो ऐसे ये लोया बनता है, ये लोया बनता है, कितने किलो का बताया था आपने, 1.5 किलो का ना, 1.5 किलो का एक लोया बनता है, देखिए ये देखो क्या बात है, एकदम गोल कर दिया माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम करते हैं यार ये देखो, अब एक और आपको दिखाते हैं फिर अपन बात चलते हैं और दिखाते हैं कैसे फ्राई होता है, ये देखो यार ये सब चीज़ें अपने जोधपुर में तो राजस्थान में कहीं मिलने वाली नहीं है, आप बस हमको फॉलो करते ना, बहुत सारे आपको बॉम्बे के वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे, देखो जो एक्स्ट्रा है वो उसको निकाल देंगे पूरा मोहम्मद भाई और फिर बाद में उसको वापस शेप देंगे, ये तैयार है, तो चलिए अब सीधा हम चलते हैं देखते हैं कैसे ये लोग फ्राई करते हैं, अब नासिर भाई बनाएंगे, ये क्या नासिर भाई, ये भी वही घी है नहीं, ये तेल, ये साहब ने इसमें तेल लगा दिया, इसको बढ़ाने के लिए पहले तेल लगाना पड़ता है, हाँ। नीचे जो ये परात है इसके ऊपर मैंने तेल लगाया, अब इसको स्प्रेड करेंगे, उसमें बेलन का बिल्कुल यूज नहीं होता, नहीं सब हाथ का काम है, ये साइज इसकी यही रहेगी, नहीं नहीं और बड़ा अच्छा, जैसे बड़ा वाला होगा पूरा थाल तक आएगा। अब बारी है जो डीप फ्राई का जो है पराठा उसकी बारी है, ये देखिए इसको ऐसे कर करके पूरा इसको बड़ा कर देंगे पूरा इसको, देखिए क्या बात है माशाल्लाह, ये देखिए साइज देखो यार, छोटा पड़ गया
ये देखिए, ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा यार, क्या बात है नासिर भाई, मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये डीप फ्राई का जो पराठा है उनका ये है, पहले फ्राई पैन, पहले आपको पैन वाला हमने बताया कैसे फ्राई करते हैं, और अब ये पूरा डीप फ्राई होगा देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए एक साइड से ये होने लग गया है, अब वापस को इन्होंने फ्लिप किया है ताकि सब जगह से परफेक्टली ये फ्राई हो जाए। इसमें टाइम लगेगा ना, सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मुंबई के जायके आपको दिखा रहे हैं हम लोग, क्या बात है, ये पूरा बन चुका है। अब हम लोग इसको सूजी के हलवे के साथ में ट्राई करेंगे, ठीक है नासिर भाई। ये हमारा जो डीप फ्राई का जो पराठा है वो रेडी है, चलिए अब चीज सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के इसको ट्राई करते हैं। देख कितना क्रिस्पी आ रही है माशाल्लाह। हाँ, पहले हम लोग इनका जो डीप फ्राई वाला पराठा है वो ट्राई करेंगे, और उसके बाद से जो पैन वाला फ्राई है वो देखेंगे। सूजी का हलवे की जो क्वालिटी देखो यार, क्या बात है, क्या बात है, गर्मा गर्म है तो है। बस 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 इसको हम लोग ट्राई करेंगे पहले यहाँ पे, फिर वो भी ट्राई करेंगे। ये कौन सा वाला दिया अभी आपने फ्राई पर? देखिए नासिर भाई एकदम गर्मा गर्म हाथ में उठा के लाए थे, और मैं तो अभी इससे भी तोड़ नहीं पा रहा, पता नहीं कैसे आदमी लेके आए। देखिए सूजी का हलवा देखो, और ये मुझे ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है जो डीप फ्राई वाला है। माशाल्लाह एक नंबर यार, हलवा तो ये लोग सुबह 4 बजे बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और शाम और 6-7 बजे तक ये लोग हलवा बनाते हैं, उसके बाद भी इसको सेल करते हैं। हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, अब 2 सेकंड का वो भी लेते हैं, वो पैन वाला जो पराठा है। ज़्यादा तो मुझे यार ये ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है, पर इसका बार बार वापस गर्म नहीं कर सकते, अभी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और खाने में मज़ा आ रहा है, ये भी ट्राई करते हैं। चलिए ये थोड़ा कम क्रिस्पी है, लेकिन ज़्यादा चलन इसका है, क्योंकि इसको आप 2-3 बार गर्म कर सकते हैं, इसको वापस आप गर्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे ये ज़बरदस्त लगा, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि क्रिस्पी है, क्रिस्पी के साथ में खाने का मज़ा आता है। तो बस चलिए यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।